हे सपने के माँ, ओ मेरे पिया, ओ मन कान पड़ाए दिखा हो। अच्छा, वो तो फिर मांगता जरूर किया था मैं साधु योगी बनाने के लिए, लेकिन हम समझा रहे हैं। लेकिन कहते हैं जिस बात का दिमाग पर असर होता है, कुछ दिमाग के अनुसार भी सपने होते हैं, दिखता है, लेकिन ऐसा कोई सच्चा सपना नहीं होता रानी। ये बातें फिजूल की बातें हैं। कहिए, वो तो एक हाथ में चिमटा ले तारा।
जी महाराज। मुझे ये बताइए, ये सपना जब आपने देखा था तो क्या टाइम था महाराज? हाँ, जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है। अच्छा, 4:15 बजे के बाद का ये सपना मेरी आत्मा को झिंझोड़ कर रख दिया। और मैं इसीलिए डरती हूँ कि तेरे महल में तेरे बाद कोई रात संभालने वाला भी नहीं है महाराज। तेरी 16-16 रानियां, 12-12 कन्याएं और एक बूढ़ी माँ। बिल्कुल। और ये राजपाट महाराज, अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसी वैसी बात हो तो मुझे बता दीजिए महाराज। मेरे मन में तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी माँ के मन में जरूर है। यानी विचार चल रहा है घर में? हाँ। अच्छा, और लगभग 4 बजे का सपना कुछ सच्चा भी हो जाया करे है रानी, ऐसा ना हो कहीं ऐसा बीज बो सके है। आपने मन तो ना बना लिया है? नहीं, मैंने तो नहीं बनाया, क्योंकि माँ ने जिक्रा जरूर किया था, शायद भगवान की वो मर्जी भी हो सकती है, इंसान तो वक्त के हाथों मजबूर होता है। महाराज मैं आपके सामने विनती प्रार्थना करती हूँ। हाँ। अगर आपकी माँ आपको योग लेने की कहे भी तो आप मना कर देना। लेकिन माँ का हुक्म तो नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन महाराज हर बात भी तो नहीं मानी जाती ना। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं, अगर माँ मान जाएगी तो हम नहीं रहेंगे। सुन ले महाराज, मैंने आगे क्या देखा। हाँ। Yeah।
तरह साथी है, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे बड़े भाई मुकेश जी पीए साहब, वो भी बांध पे चल रही टीम का सम्मान करते हैं। मुकेश जी भी बांध भाषण करते हैं। आइए साथियों, गरीब आपने क्या बता दिया। टीम का सम्मान करते हैं, मैडम राजवाल जी का सम्मान करते हैं, बार बार करते हैं, परम आदरणीय मास्टर राम सिंह जी नूरपुर गांव से, मास्टर राम सिंह जी नूरपुर गांव से क्या तो बेटे सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए सब क्या बताते हैं। भगवान का स्वरूप ही मानकर उसके खूब मान सम्मान दान दक्षिणा दी जाती थी, लेकिन आज का समय ऐसा है कि दरवाजा कोई किराना है डर लगता है फिर नहीं साधु के भेज में कोई और कोई बनाना हो। चौथी बात का हवाला क्या निकल सकेगा। Thank you.
दिखे तले खड़ा वो चुर के मारे वो पिया चले जा जिने पर के एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए उतरी के एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए साधु संता ने तो माया का मुंह भी ना प्रेम होना चाहिए महाराज जी छोड़ दिया बस और फिर उन्हें दिखते हैं कि तू तो महाराज बन गया ये बारह बारह कन्या और सोलह सोलह रानी रंग में रमे किन कौन पाले गई देखिए पड़ोसिया के दिल पे लाग लिया बात आदमी सोचता है कि मेरे बिना कुछ काम नहीं चलेगा बड़े भ्रम में रहता है पर जब वो दुखी है तेरे इस निर्णय पे लेकिन रानी जैसी प्रभु की इच्छा होती है उसके अनुसार हर आदमी को चलना पड़ता है ये दान जरूर तुम्हें भी देना पड़ेगा ना प्रभु को नहीं कहता कि तू रात भटक जा गंदरा बचा ले नहीं मैं ठीक हूं तेरे शब्द बनना तो तू पर थे क्यों करता 16 16 ब्याह क्यों करता ये 12 12 कन्या पैदा क्यों करता वो भी एक समय था लेकिन मैं जिस राह पर जा रहा हूं मुझे लगता है शायद वो ही राह सच्ची है ये 100 रुपए आदमी दयाराम जी इस इतिहास पर पुरस्कृत करते हैं उनके संस्कारों को नमन करते हैं राह तो बढ़िया है महाराज पर टाइम तो गलत है ना ना टाइम भी ठीक है हर चीज का समय है क्या कहना चाहते अधम में
जवानी हर इंसान को आती है, परेशान भी करती है, लेकिन जो जवानी में कदम डगमगाते जिसके नहीं है वो बड़ी मजबूती के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। और औरतों का और वीरवानी का इतिहास तो रानी हमारे यहाँ बहुत श्रेष्ठ। जब तेरा मेरा ब्याह होया तो पंडिता ने फेरे पढ़वाए तो सात जन्म का संबंध बताया था। यो तो वो सही चक्कर डाल रखा है, तो पहले जन्म में रंग दिखा दिया अपना भाई, ये तो समय की बात है। फिर वो छह क्यों करनी मांग गया? माता पिता और गुरु की सेवा मेरे लिए सर्वोपरि है। अरे तो ब्याह क्यों कर रहा था? मेरी सुन, कैसी कैसी औरतें होती है तो दिल पति के हो बिना पति के मन चिंता कौन फिर दिखा से तेरे के सफर का मुका मार लिए तू हर से गुलाम वक्त का हर से तेरा वक्त से गुल रात वक्त से कल और रात वक्त की हर से गुलाम वक्त का हर से तेरा सारा घर बार हाय पहलव तन हो
ये बड़ा बेईमान है, ये आत्मा तक भगवान के भजन पहुंचने नेता रास्ते में रोक लेता है। तो हम इस दिल से मन से बहुत दूर हो गए। आदरणीय सूरज भान दादाजी वो इस स्वर्णिम इतिहास पर 500 रुपए का पुरस्कार देगा। आपके गुरुजी ने न्यू नहीं बताया कि बेटा सबसे बड़ा ग्रस्त जीवन वो है, अगर उस धर्म पर तने पग धर दिया तो पहले उसने पूरा कर दिया। देखिए ग्रस्त धर्म भी पूरा कभी नहीं होता, हाँ जब तक ग्रस्त धर्म है तब तक अपने नियम का पालन करें। वही पोते हो जाए फिर पड़पोते ही चाहिए फिर वो चाहिए, तो ये तो तृष्णाएं हैं। जहां भी रुक जाए आदमी वही अच्छा है, प्रभु के भजन में लग जाए। तृष्णा पूरी तो हो, बेटे पोते कढ़ाई बाते छोरी को नहीं ब्याह इतने, ये तो फिर छोरी ब्याह होंगे फिर देती होंगी फिर बात भरवाए फिर यो करे वो करे तो लगे बात की तो देखी जाएगी। पहले तुम छोरी अलग तक निमटा के जाओ, वो तू कर ले सारा राजकाज, तो जी दे दिए महल टहरी सब कोस पे तेरे कब जाए। इसके कुर्ता फुलवाएगा ये छोरी को जाएगी इसके, कोई बात ना क्यों थे ले जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय कृष्ण गोपाल जी चौकीदार साहब वजीराबाद गांव से, वो भी 500 रुपए सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए सब यहाँ तो चौकीदार भी राजा ही है। क्या कहना चाहती हो, उन्हें भिक्षा दीजिए, मेरा गुरु जी इंतजार करे, लाठी मारेगा बड़ी जबरदस्त। वह माँ भी गई थी बड़ी तोड़ी थी, उसने तो मेरी पाछे मारे दो गले ने, तू तो जोग ले था नाता है दूसरा हो गया तेरा मेरा आना, गुरु जी तने बाद में समारे पहले मैं घर दू तने भी तरह देखो रानी नाता तो गया बिगड़, मेरा जोग सफल हो जाएगा, मेरा तुम्हारा संबंध भी रहा है, मतलब अपनी अपनी पड़ी है। हाँ। इस प्रजा की इस नगरी की और इस घर परिवार की कोई चिंता को नहीं तना, बस अपनी अपनी है, सबको कोरोना आया सबको अपनी अपनी पड़ी थी, आगे फिर दे उधर, ये तो सच्चाई है जीवन की, मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। क्या कहना चाहती हो सुन ले, सुना दे दिखाया, ओ खून दिखाया, भाई
बाबा रोहता यादव जी के दो पुत्र परम आदरणीय रामजीवन साहब जी और ब्रह्म प्रकाश जी जो हमारे मध्य खड़े हैं, जिन्होंने आज सर्व समाज को इकट्ठा किया है, और भाई कटरा जी। आइए साथियों, एक बार चाहूंगा कि सबके सम्मान में आपकी तरफ से जोरदार तालियों से साथियों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए रामजीवन साहब जी, ब्रह्म प्रकाश जी, गंधराज जी और भाई अजय जी, मनजीत जी, मनोज जी, कुलदीप जी और संजय जी। आइए साथियों, आदेश मिला है, मैं तो जरा इकट्ठा बोलूं, पर ये हमारे पांच इनके पुत्र हैं और तीन ये भाई हैं, तो भाई 11,000 तो सारे परिवार का बनता है श्रद्धांजलि गीत पर देने का। तो आइए साथियों, एक बार जोरदार ताली हो जाए साथियों, सम्मान करते हैं इस परिवार के लिए कि जिन्होंने इतना बड़ा ब्रह्मभोज और सभी का ये गायन कार्यक्रम कराया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चाहे 11,000 रुपए दे देना सारे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार जोर बता देना साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
क्या समझाते हैं
नगरी के राजा हैं। हाँ बेटा, चाहे राजा हो चाहे गरीब इंसान हो, फकीर हो, फक्कड़ हो, जिस इंसान की मां दुखी होती है उस इंसान का कोई जीवन नहीं होता। आप मेरा दुख पूछना चाहते हो? मैं तब से यही तो बात कह रहा हूँ बेटा। गोपी चंद, मुझे डर है कि कहीं आपको आपके पिता पदम सर सैन जी की तरह काल नहीं खा जाए, इसीलिए मैं आपको चोट लगा जाती हूँ। ये तो प्रकृति का नियम है, जो जीव की उत्पत्ति है उसका मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन आप बार बार ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि मेरी सोड़े रानी है, बारह कन्या ऐसी बात ना करे, मेरी बात कौन से सुनिए? कहिए बेटा। लेकिन मेरी सोड़ा रानी है, बारह कन्या है, इतनी बड़ी विध को छोड़ के साधु कैसे बढ़ जाऊंगा मैं? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस अपना बेटा चाहिए और मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा? हाँ बेटा, गोपी चंद। मतलब मैं साधु बन के अमर हो जाऊंगा? हाँ। इंसान तो कर्मों से अमर होता है, कर्म तो अपने घर में रहकर भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं साधु बन गया, कर्म मेरे अच्छे ना हो कैसे अमर हो जाऊंगा माँ? बेटा गोपी चंद, हाँ मैं कुछ नहीं जानती,
चाहती हूँ, मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, आप मेरी बात मानिए। कहते हैं बाल हट घोड़ा हट तेरी हट, जब अपने हट पर आती है तो किसी की नहीं मानते। आज माँ अपने बेटे को योग दिलाने के लिए अपने बेटे को कोई बात नहीं मानती है, पर किस प्रकार से ममता के भाव में फिर जाती है, कैसे बेटा को अमर कराने की क्या बात कर दिया और कैसे समझाता। देखिए धार्मिक मानुभावों के भाव धार्मिक इतिहास पढ़ सकते हैं, ये पितृभक्ति है, पिताजी का यज्ञ है, बरसी है आज चित्तोसिया परिवार की तरफ से, और मात्र यज्ञ मात्र भक्त गोपीचंद का इतिहास आपके समक्ष विद्वान श्रोताओं के समक्ष है। आदरणीय शीशराम जून साहब, आदरणीय शीशराम जून साहब इस मात्र भक्ति के गोपीचंद इतिहास पर 1100 रुपए का पुरस्कार देकर अपनी हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आइए इस प्रकार का वर्तमान माँ बेटे के बीच हो रहा है। आइए Oh,
पर चढ़ गए। कहने लगे कि माँ कि आजादी कभी शाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, और जब तक पति ग्रम लहू की एक भी बूंद सीने में तब तक अपने भारत माता को ये नीलाम नहीं होने देंगे। और ये केवल आशीर्वाद में जिन्होंने आज के इस पवित्र यज्ञ की ओम मुकदम सी आज की शोभा है, इस पवित्र यज्ञ की उन्होंने सहयोग का सहयोग सराहनीय 500 रुपए का पुरस्कार इस देशभक्ति की रागनी पर रचना तिवारी की रागनी पर देते हैं। हार्दिक धन्यवाद। आइए इस प्रकार से आए
I'm not afraid.
युद्ध करूं मारण में मांगे धरण दुहाई मेरी भंग प्रतिज्ञा हो जाती हावे हथियार कमाई मेरी भंग प्रतिज्ञा हो जाती हावे हथियार श्रावणी पर 5 रुपए से आशीर्वाद सम्मान देते हैं, बार बधाना करते हैं। ये भाई के क्या है आप उनके राघव जी आप उनके काम के हो, बहुत बहुत धन्यवाद। चौथी बात में जो समझाने लग जाता दुर्योधन को, दुर्योधन ये क्षत्रिय वीर का धर्म नहीं होता, सुख दुख लाभ हानि ये तो कर्मों से मिलते हैं। और क्या समझाने लग जाता चौथी बात पर, क्या बताया छपाशीलता ये छतरिया का कहना, संतोष छपाशीलता ये छतरी का कहना। जिसका पाप उसी के आगे हर मानस को देना, अरे तू हर पीर, अरे तू हर पीर वही जा हंस के सदा नहीं यहाँ कैसे जाएंगे वापस। कहते हैं कि इंसान अपने कृष्ण जीवन को छोड़कर के साधु सन्यासी बन जाता है, अगर साधु बनकर के फिर वापस कृष्ण जीवन में जाए उसका कोई धर्म और पंथ नहीं होता। सदनों पहली बात के माध्यम से बेटा अपनी माँ को क्या समझाता, क्या बता दिया। ओ इतना
फकीर माता मेरी भक्त मेरे पास के चली हो गया ना चाहिए जागीर इतनी बड़ी किस्त को छोड़ करके कैसे साधु बन जाए। आपने उस दिन हमारी कोई बात नहीं मानी बेटा गोपी चंद। हाँ उस दिन तो मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। अरे मैं अपने लालच में फंस गई थी। अच्छा लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे ऐसे करने से मेरे साथ में ये सब कुछ होगा। सुने बात को कहिए सम्मान करते हैं सजनों। तीसरी कड़ी के माध्यम से किए बना दिया।
आदरणीय रमेश जी वो भी 100 रुपए से सम्मान करते हैं, हमारे बड़े भाई साहब ने और 100 रुपए से आशीर्वाद सम्मान दिया, बाबा धाम करते हैं। साथियों अपनी माँ को समझाता कि माँ कुछ नहीं हो सकता, केवल एक काम हो सकता है कि जिस बात के लिए हमें आपने योग दिलवाया, साधु बनवाए, उस बात के लिए आप हमें आशीर्वाद दे सकते हैं कि बेटा तेरा योग सफल हो जाए, ऐसा हमें अगर आशीर्वाद दें तो अच्छा होगा, वरना वापस हम नहीं जा सकते। बेटा गोपी चंद, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ, मेरी बात को मत डालिए। पैर पकड़ने की कोई बात नहीं है माँ, आपने हमें योग दिलवाया, साधु बनवाए हैं, हम आपके पैर पकड़ने चलेंगे। सुनिए मेरी बात, रात अंधेरी हो जाती, कब ताई